दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रोग्राम है हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड में हो रही फ्लावरिंग को देखना। यहां पर ये पौधे हैं दोस्तों हाई डेंसिटी के ऊपर बेस्ड, और इन पौधों का जो बेस है वो है M9, और इसमें सब जगह आजकल खिले हैं फूल। और यहाँ पर इसमें दोस्तों यहाँ पर इसमें ये लेडी बग भी टहल रही है। इसका काम दोस्तों जो रेड माइट इन पौधों में होती है, इसको ये लेडी बग खा लेती है, जिससे कि पौधे हो जाते हैं पूरी तरह से सेफ। जो रेड माइट होते हैं दोस्तों, वो पत्तों से चूसते हैं रस, जिस वजह से पौधा हो जाता है कमज़ोर। तो दोस्तों अब चलते चलते देखते हैं इसमें किस तरह की फ्लावरिंग हुई है। अब इसमें लगभग 80% के आसपास फ्लावरिंग रही है, और 20% इसमें अब सेटिंग हो चुकी है। इस ब्लॉक में थोड़ा देरी से आना हुआ दोस्तों, क्योंकि व्यस्तता ही इतनी ज़्यादा थी कि इस ओर आने में समय लग गया। अब की बार मौसम भी दोस्तों सेटिंग के टाइम अप डाउन हो रहा है। अब की बार जब फ्लावरिंग हुई थी सेबों में, उस टाइम मौसम काफ़ी अप डाउन हुआ, उस वजह से कई बगीचों में थोड़ी सी सेटिंग होने में मुश्किल पेश आई। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो दाने दाने से यहाँ पर बन चुके हैं, ये है दोस्तों फ्रूट सेटिंग। और जब ये फूल फल बनना शुरू होता है तो उसे कहते हैं फ्रूट सेटिंग। इस तरह के दाने दाने दोस्तों बन जाते हैं, और अभी इसमें रहे हैं फूल, वो भी धीरे धीरे से फ्रूट सेट होकर बन जाएंगे फल। और कई बार इन फूलों में फ्रूट सेटिंग नहीं हो पाती, तो फूल इस तरह से सूख कर गिर जाते हैं दोस्तों। और अब की बार लगभग 50% फूलों में फ्रूट सेट हुआ है। फूलों में दोस्तों मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और भंवरे भी इधर उधर रस चूसने के लिए दौड़ रहे हैं, और ये सब चीज़ें दोस्तों होती है पॉलिनेशन में मददगार। अब धीरे धीरे से पत्तों का साइज भी दोस्तों बढ़ने लग गया है। दोस्तों सेबों में फ्लावरिंग और सेटिंग देखने के साथ साथ हम पत्ते भी चेक कर रहे हैं, कहीं इसमें कोई कीट पतंगा पौधों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, ये भी देखना ज़रूरी है दोस्तों। जो रूटस्टॉक के पौधे होते हैं दोस्तों, इसकी देखभाल सीडलिंग की अपेक्षा बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इसको बीच बीच में कई बार चेक भी करते रहना पड़ता है कि इसमें कोई कीट पतंगा या पत्तों में कोई बीमारी तो नहीं लगी है। अब की बार दोस्तों बारिश भी काफ़ी अच्छी हुई है, तो इस कारण से पौधों में नमी भी काफ़ी अच्छी बन आई है। कहते हैं दोस्तों कि ज़मीन में अगर नमी हो तो फ्रूट सेटिंग बहुत ही अच्छी होती है।
तो दोस्तों अब ये थोड़ा सा व्यू हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड का,